हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल का हंगामा चालू है। कल रात के मैच में हमने देखा कि किस तरीके से लखनऊ ने एक जीता हुआ मैच हारा बिकॉज ऑफ यू नो पुअर कैप्टनसी डिसीजन बाय केएल राहुल। उन्होंने 15th ओवर जो है उसके बाद में 16th ओवर जो है वो दीपक हुड्डा से करवाना सही समझा, रादर देन उनके पास में जो अवेलेबल ऑप्शंस थे अवेश खान का के 2 ओवर पड़े थे, चमीरा के 2 ओवर्स पड़े हुए थे और इसी तरीके से बिश्नोई के 2 ओवर्स पड़े हुए थे। तो राधा दन वो अपनी मेन बॉलिंग की तरफ जाने की बजाय उन्होंने दीपक हुड्डा से ओवर करवाया जिसकी वजह से 22 रन गए और मोमेंटम टोटली शिफ्ट हो गया। और उससे पहले 6 ओवर के अंदर 71 रन चाहिए थे गुजरात टाइटंस को। सो ऑल एंड ऑल काफ़ी यू नो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर या इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से लखनऊ हैज़ यू नो लॉस्ट द मैच फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। एंड बिल्कुल जो मिथ बना हुआ था विन द टॉस विन द मैच का, वो कहीं चेंज हो सकता था कल के मैच में, बट डेफिनेटली गुजरात टाइटन्स हैव यू नो अनाउंस देम प्रीटी वेल इन दिस टूर्नामेंट। और मोहम्मद शामी मैन ऑफ द मैच हुए 25 for 3, स्प्लेंडेड बॉलिंग। जहाँ तक आज के मैच की बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि वही दोनों टीम ऐसी बची हैं जिन्होंने अभी तक अपने मैचेस नहीं खेले हैं, तो इन दोनों टीम्स के बीच में काफ़ी अच्छी कांटे की टक्कर देखी जाएगी। और पहला मैच होगा एमसीए स्टेडियम पुणे के अंदर। अभी तक जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे खेले जा रहे थे मुंबई के अंदर तीनों स्टेडियम्स में, और अब जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा एमसीए स्टेडियम पुणे के अंदर। पिच से ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंट उम्मीद नहीं है, रेड सॉयल पिच होगी, बट डेफिनेटली ये मिथ जो है वो वहाँ टूटने की उम्मीद है कि विन द टॉस विन द मैच, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही टीम को इक्वल एडवांटेज होने की उम्मीद है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर ये प्लेयर टू लुक आउट फॉर होंगे, एंड क्योंकि लसित मलिंगा ने इनको बॉलिंग असिस्टेंट कोच की तरह ज्वाइन करा है, तो इट विल बी अ ग्रेट मैच टू सी। ऑन दी अदर हैंड सनराइजर्स हैदराबाद, सो इट ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच।